अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? फिट फाट हैं? तो चलिए हम अपने व्लॉग शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है नमाज़ पढ़ती हूँ फजर की, फिर निहार मुंह ग्रीन टी पीती हूँ, फिर एक घंटा वर्कआउट करती हूँ। जब फिर बच्चे उठ जाते हैं तो फिर मैं नाश्ता बना लेती हूँ, फिर बच्चे जो हैं वो अपने काम पर शुरू हो जाते हैं। देखें आप, ये अपने पेन और पेपर लेकर शुरू होमवर्क कर रहे हैं, फिर थोड़ी मस्ती कर रहते हैं। कोरोना है तो फिर हर चीज़ बंद होती है, तो बस टीवी पे लगा के वो डांस वांस और शुगल मिला कर रहे होते हैं। फिर यहाँ उसके बाद फिर हम माओ का काम शुरू हो जाता है, घर की से सफाई सफाई करना, चीज़ें संभालना। बच्चे हैं, बच्चों वाला घर है तो शायद वो हर चीज़ फैला देते हैं इधर से उधर इधर से उधर। तो माओ का तो बस यही काम होता है कि इन चीज़ों को अपनी अपनी जगहों पे रखना है। तो देखिए आपको मैं दिखा रही थी, और अब देखिए मैंने अपनी चीज़ों पे, जो चीज़ें हैं उनको अपनी जगह पे रख दी है, सफाई सफाई कर लिया, सारी साफ सुथरा कर लिया है, और बच्चों के जो चीज़ें होंगी अपनी जगह पे मैंने रख दी। फिर देखेंगे कि हमने क्या करना है, डिनर या लंच का जो जो है वो प्रोग्राम करेंगे कि हमने क्या पकाना है। पहले तो घर सारा पहले सेट कर लेना ताकि चीज़ें अपनी जगह पे हों। जल्दी फिर आप डिनर की हम तैयारी कर लेते हैं। तो डिनर में आज हम मैं कुकिंग कर रही हूँ, सालन बना रही हूँ चिकन का, चिकन कढ़ाई। तो ये अब देखें, पहले जो है वो मसाला वगैरह जो पेस्ट होता है भुनाई का, वो मैंने भुनाई की है। अब मैं जो है वो चिकन फिर मैंने डाली है, तो तकरीबन पाँच से दस मिनट के बाद बन जाती है। तो अब ये तैयार है, अब मैं रोटी की तैयारी कर रही हूँ। तो जल्दी से रोटी बना लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर टाइम से पहले जो है वो तैयार हो जाए हर चीज़। तो अब ये हम रोटी तैयार हो गई है, ये डिश आउट मैंने कर दी है चिकन कढ़ाई। तो अब खाने के बाद जो है वो चाय की बाड़ी होती है, जाहिर हर जितने भी देसी लोग हैं वो खाने के बाद चाय तो ज़रूर ही पीते हैं। तो बस हस्बैंड को मैंने पहले दे दिया था, उनको मैंने पहले दे दिया था, बच्चों ने भी खा लिया था, बस फिर आखिर में फिर मैंने अपना खाना खाया है, फिर अब मैं चाय पी रही हूँ। और बच्चे जो हैं वो अपने कामों में मसरूफ़ हैं, खेल में इंजॉयमेंट कर रहे हैं, ताकि इनको फिर जब मैं खा रही होती हूँ तो फिर ये खेल रहे होते हैं। इनको तकरीबन एक घंटा सोने से पहले इनको खिलाती हूँ, ताकि ये जब थक जाएं तो फिर ये लोग आराम से सो जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बेटी जंप लगा रही है, इसकी मैंने स्लो मोशन में बनाई थी। तो बस अब फिर जब बच्चे सो गए हैं तो फिर हमारी माओ का फिर काम शुरू, ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो बस अब मैंने सारे वाइंड अप कर दिए थे, जो लेफ्ट ओवर सालन था उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया है, और जो तवा था उसको अपनी जगह पर रख दी, चीज़ों को अपनी जगह पर रख दी है। बस अब सफाई सफाई कर रही हूँ, बर्तन मैंने धो लिए हैं, बच्चे सो गए हैं, तो बस फिर अब किचन जो है उसको टाइड अप करती हूँ। फिर उसके बाद फिर जब काम शाम कंप्लीट हो जाता है, अपनी चीज़ों को अपनी जगह पर रखती हूँ, तो फिर मैं अपने लिए फिर एक ग्रीन टी बना देती हूँ। ये ग्रीन टी लेके फिर मैं बैठ जाती हूँ। तभी बस ये टपाल ग्रीन टी मैं पाकिस्तान से लाई थी, तो बस ये बनाती हूँ रात को सोने से पहले। सारे काम करने के बाद जब आराम से मुझे कहते हैं ना मी टाइम, ये वो मी टाइम होता है, फिर मैं अपनी ग्रीन टी लेके बैठ जाती हूँ, थोड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ। अपना जो मेरा रोब होता है या गाउन होता है वो पहन के मैं थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ कि मैं अब सारे काम करके अब मैं बस अपना मी टाइम इंजॉय करती हूँ। अपना मोबाइल लेके मैं अपने जो गनी फैमिली व्लॉग का जो पे चैनल है उस पर जो कमेंट्स वगैरह वो देखती हूँ, अगर किसी को रिप्लाई करना होता है तो वो रिप्लाई करती हूँ, और इंस्टाग्राम पे चेक कर रही होती हूँ मैसेजेस वगैरह, जो मोबाइल थोड़ा वो यूज़ कर लेती हूँ, या फिर कोई नेटफ्लिक्स वगैरह देख लेती हूँ या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेती हूँ, और साथ में अपना जो है ग्रीन टी इंजॉय करती हूँ। तो बस आज का ये छोटा सा व्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।
तो इंशाल्लाह आप उसे नई नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।